कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, वो इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट है लव राचिका, भाई थानू एडमिट कार्ड बारे पूछा सी ते हो रही गली गेड़ पाई जाना फिर दा। अच्छा ये जो आपको फोन नंबर दे दिया गया है, आप वहां पर बात करके, वो प्रिंसिपल हैं बीएड कॉलेज के, आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मैं बोल के फोन नंबर यहाँ पर नहीं दे सकता, तो वहां पर फोन नंबर दिया गया है डॉक्टर अजिंदर का, आप वहां बात करके अपनी प्रॉब्लम का हल ले सकते हो। दूसरा है वॉच ले जा सकते हैं कि नहीं, वॉच ले जा सकते हैं, कोई रिटर्न नहीं आया है। इतना ये सीरियस पेपर नहीं है कि आपका सीटेट पीटेट यूजीसी नेट जैसे कंपटीशन वाला है, एंट्रेंस टेस्ट है, सीट्स ज्यादा हैं और रजिस्ट्रेशन कम है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसका एनालिसिस करूंगा, अभी आप पेपर दीजिए तो वॉच आप ले जा सकते हैं। ठीक, सस्ती सी वॉच लेके जाइए महंगी वाली नहीं। अच्छा सर, ब्लैक बाल या ब्लैक जेल पेन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में हाँ लिखा है, ये कंफ्यूजन है, आप दोनों ही लेके जाइए ना, एक बाल जेल पेन ब्लैक पेन रख लीजिए और दूसरा जो बाल पेन रख लीजिए। एक प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो पर्पस क्या है, पर्पस ये है जो राउंड जो बबल है जिसको आपने फिल करना है वो अच्छी तरह से ब्लैक हुआ होना चाहिए, तो कंप्यूटर तभी उस आंसर को उठा पाएगा, इतनी बात है। तो आप दोनों पेन लीजिए, जिससे आपसे अच्छा होता है उसको उठा लीजिए, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में दोनों पेन लेके लेके जाइए। 3172 बाई नू एग्जाम किस किस का है, जो भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एफिलेटेड बीएड कॉलेजों में बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, लगभग 200 कॉलेजेस हैं, ये उनका एग्जाम है। गैस्पर पर वीडियो बन गई है, अभी इसके बाद अपलोड हो जाए। राधा गुप्ता पूछ रहे हैं, कोई चंडीगढ़ में बीएड एंट्रेंस टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहा है, अगर कोई कर रहा है तो वो बता दीजिए प्लीज। एडमिट कार्ड 2 पेज विच प्रिंट हो रहा है, कोई इशू तो नहीं होगा, कोई इशू नहीं होता, आराम से 2 पेज निकल रहे हैं, आप प्रिंट निकलवा के जाइए। हिमांती रावत कह रहे हैं, लर्न टू एक्चुअलाइज माय प्लेयर सर, आई नो कि आप बिजी होंगे और सभी के डाउट विद इन टाइम पीरियड सॉल्व करना इजंट इजी, इसलिए इतना जितना मुझसे हो सके मैं दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ। हिमांती रावत के लिए क्लैपिंग। इस दौर में सभी अपना सोचते हैं, ये दूसरों का सोच रहे हैं। सर मैं 10th विच सीबीएसई च कीती है, उतने पंजाबी एडिशनल सब्जेक्ट च पा दिंदे ने ते हिंदी कंपलसरी च, फिर मेनू केड़ा मॉड्यूल सिलेक्ट करना चाहिदा है बीएड एंट्रेंस टेस्ट विच, हिंदी या पंजाबी? देखिए पंजाबी का पेपर रिलेटिवली ईजी होता है, और अगर आपने पंजाबी पढ़ी है तो आप पंजाबी को ही प्रेफर कीजिए। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया सर, इवनिंग डिपार्टमेंट बीए वालों का एंट्रेंस होगा या नहीं, क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया सर। एंट्रेंस टेस्ट के बाद सीटेट की प्रिपरेशन करवा देना। हाँ जी करवाऊंगा, सीटेट के एग्जाम आने वाले हैं, दिसंबर में होगा, उसकी करवाऊंगा। 26 को जिन्होंने फिल किया था, अगर उनका नहीं एडमिट कार्ड हुआ, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, मैंने रीड नहीं की, शायद अमृतसर में उनका सेंटर बनेगा, वो यूनिवर्सिटी से अगर नहीं मिला तो वहां से जाके पहले अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं, अगर डाउनलोड हो चुका है तो इट्स ओके, डाउनलोड ही होना चाहिए वैसे। हाँ सर, फॉर रफ वर्क विल गेट एक्स्ट्रा शीट, जो आपकी हाँ एक्स्ट्रा शीट वही मिलेगी आपको, जो क्वेश्चन बुकलेट है उसके लास्ट पेज 2 पेज लगभग होते हैं या 1 पेज आगे पीछे होता है, वो आप एक्स्ट्रा वर्क के लिए यूज कर सकते हो। सर जी मैं बी ए 6th सेम का पंजाबी का पेपर नहीं दे पाया, हूँ मेरी रीपेयर आ गई है, हूँ मेरी बी एड भी नहीं होंगी। देखिए आप फोन नंबर जो दिया है वहां पर बात कर लीजिए, कोई सलूशन होगा तो आपको मिल जाएगा केस, क्योंकि फोन नंबर तब देता हूं अगर वो केस काफी बात करनी, इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो वहां पर फोन करके आप सलूशन ले सकते हैं। सर एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट करवाना है या कलर प्रिंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट करवाइए आप, अगर कलर्ड होता है तो बेटर है, अगर नहीं होता तो टेंशन मत लीजिए, आप ब्लैक एंड व्हाइट करवाइए। 10th में हिंदी भी पढ़ी है, पंजाबी भी कहते पढ़ी है, नहीं आप अगर दोनों पंजाबी भी पढ़ी है तो पंजाबी को ही प्रेफर कीजिए। एंट्रेंस टेस्ट करने किन्ने मार्क्स चाहिए हैं, 25% फॉर जनरल कैटेगरी, एससी एसटी फॉर उनके लिए उनको 20% मार्क्स चाहिए। सर एग्जाम का लेवल की होएगा, देखिए जो कितने पिछले क्वेश्चन मैंने एनालाइज किए हैं तो 5 से 10% क्वेश्चन एग्जैक्ट भी रिपीट हुए हैं, इवन टीचिंग पोटेंशियल में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं,
तो लेवल जो है डिफिकल्टी लेवल और मेंटल एबिलिटी का हायर होता है, और जो टीचिंग पोटेंशियल का है जहां हमें इजी लगता है वो इजी ही दिखाई दिया है, और जो जनरल नॉलेज का एवरेज है, करंट अफेयर आपने अगर न्यूज़पेपर न्यूज सुनी है तो मतलब अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बाकी आपका लैंग्वेज के दोनों पेपर, आपकी जो ग्रेजुएशन 10th प्लस टू में जो आपकी लैंग्वेज वोकैबुलरी ऑलरेडी है, उसी के बेस पर मोस्टली 70-80% पेपर सॉल्व हो जाता है। सर मेरा 1 ईयर का गैप है, बीएड विच कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गैप सर्टिफिकेट बनता है, उसके लिए अलग से वीडियो बना। सर प्लीज मेक वीडियो ऑन कॉमर्स स्टूडेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन बीएड। मुझे पता नहीं चला कि ऐसे कॉमर्स वालों के लिए कौन सा वीडियो बनाया जाए। ये जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है ये सभी के लिए इररेस्पेक्टिव टू सब्जेक्ट हो रहा है, सिर्फ लैंग्वेज की है, आपने पंजाबी ऑप्ट करनी है या हिंदी ऑप्ट करनी है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन है, उसके लिए डिफरेंट वीडियो आ जाएगा जहां डाउट हो जाएगा। अभी आप एग्जाम पर फोकस कीजिए। सर ये बीए वालों के लिए भी सेम है क्या? यस सेम है जी। थैंक यू, ये क्वेश्चन थे। अगर डू योर बेस्ट, अपना आप बेस्ट कर सकते हो। अगर आप ये लर्निंग स्ट्रेटेजी और गैस कैसे लगाना है, पेपर पूरा करना है, कोई भी अनमार्क्ड क्वेश्चन नहीं छोड़ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर हालत में सभी क्वेश्चन करके आने हैं। पहले राउंड में आपने हर हालत में जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से नॉलेज से उनको सॉल्व करना है, लास्ट राउंड में ही गैस वर्क लगाना है, उसके लिए वीडियो बनाया, वो देख सकते हो। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज। थैंक यू।